देखिए, इस घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन पिछले कल ही हमारे शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने घरों को खाली करवा दिया गया था। जो दो लोग का यहाँ शव मिलने की संभावना है, वो भी उनकी वाइफ निकल गई थी, वो अपना कोई चीज़ अंदर लेने के लिए वापस गया और अपनी जान को वो गवा बैठे। अभी मेरी 2 घंटे बैठक हुई है, 6 बजे से बाद से अभी हमारी बैठक अभी ख़त्म हुई है। और ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं, तो कई चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो ड्रेनेज है और जो नालों के नज़दीक घर बना लिए गए हैं और नालों ने जो अपना रुझान बदला है, पहले ये नाले आराम से स्लांटिंग करते थे, छोटा मोटा इरोजन होता था, और जो घरों का पानी है उस ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं रहा। पहाड़ लगातार बारिश से कमज़ोर होते गए और 43 साल में पिछले 2 दिनों में इतनी तेज़ बारिश हुई है कि जब पेड़ गिरते हैं तो उसके साथ उस बिल्डिंग के साथ पेड़ की जो हमारी प्लिंथ एरिया है, नींव है, वो सारी हिल जाती है और काफ़ी नुकसान होता है। हमने फैसला किया है कि ड्रेनेज सिस्टम को प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के शहर में, गांव में किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाए, इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और आज मैंने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भी ये कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो हम योजना लेके आ रहे हैं, उसके लिए हमने 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मेरा ये मानना है कि शिमला में जिस प्रकार कंस्ट्रक्शन होती गई, हमारे बाथरूम का पानी कहाँ जाएगा, हमारे जो बरसात होती है उसकी छत का पानी कहाँ जाएगा, अपने घर को हमने बचाया और साथ वाले घर में हमने डाल दिया, साथ वाले ने बचाया, और पहाड़ का पानी रिसता गया, धीरे धीरे पहाड़ कमज़ोर होते रहे, जो आज की बैठक में चर्चा के बाद ये बात आई है, इस पर हमने विचार विमर्श किया है। और कल फिर हम इस बारे में 6 बजे कल फिर मैंने दोबारा से एक और बैठक बुलाई है। हर जगह अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी महोदय, सभी अधिकारी हमारे आज बैठे थे और एक विस्तृत प्लान बनाने की योजना है। जहाँ तक कांगड़ा की बात है, कांगड़ा के जो इंदौर और फतेहपुर क्षेत्र है, वहाँ कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, फसल का ज़्यादा नुकसान हुआ है। पौंग डैम से जब रात को पानी छोड़ा गया तो वहाँ कुछ लोग फंस गए, 300 के करीब लोग फंसे थे। हमने मोटर बोट्स के द्वारा और इसके द्वारा उनको निकाल लिया है, सभी लोग सुरक्षित है। दूसरा, अभी मंडी के एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसमें भी हमारे अभी कोई ह्यूमन लॉस की बात नहीं है। ह्यूमन लॉस इस बार जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो शिमला शहर में हुआ है, जहाँ हमारे बिल्डिंगें गिरी हैं। और इस दृष्टिकोण से एक और फैसला किया गया है कि जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग है, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में क्या वो हार्ड स्ट्रेटा है, रॉकी है, और उसकी तरफ देखकर भी हमें देखना पड़ेगा। और लैंडस्लाइड की घटनाएं जो बढ़ रही है, ये किन परिस्थितियों में क्यों बढ़ रही है, इस सब तरफ के ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया, और बारिश के आगे और पानी के आगे किसी का बस नहीं चलता। हम तो शुक्र करो कि हमने ये कल शाम को ही सारी बिल्डिंगें खाली करवा दी थी, अगर ये बिल्डिंगें खाली ना करवाई की होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यही मैं आपको लोगों को कहना चाहता हूँ। रिसेंट बारिश में जो नुकसान हुआ उसमें कितने लोग मारे गए पिछले कल सुबह तक आपका जो डाटा था 55 लोग थे, तो अपडेट क्या? अभी तक 60 के करीब मौतों की पुष्टि हो चुकी है, पोस्टमार्टम कई जगह चला है, और संभावना ये है कि कुछ और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। नुकसान हालात भी सामान्य नहीं हुए, क्या स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है? आज ही हमने एक फैसला किया है कि कल
क्योंकि अगर धूप भी लगती है कल बारिश की तो भी पेड़ गिरने की ज़्यादा संभावना है। कल हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थान जो है उनको बंद रखा जाएगा। सर, नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि अब स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, अगर मॉनसून सेशन नहीं बुला सकते, अपने अपने क्षेत्रों की बात नहीं, सेशन तो बुलाने की बात जो है वो तो ठीक बात है, लेकिन इस समय क्या विधानसभा में सारी पुलिस को विधानसभा के कॉरिडोर के लिए लगाया जाए? जयराम ठाकुर जी को भी सोचना चाहिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, पूरा पुलिस विभाग यहाँ आपदा से निपटने में लगा है, पुलिस फोर्स सारी आपदा से निपटने में लगी है। स्पेशल सेशन लगाएंगे, 500-700 पुलिस के कर्मचारी वहाँ जाएंगे, सेशन से हम भाग नहीं रहे हैं। इस आपदा की मुसीबत पर हमको लड़ाई मिलकर लड़नी है, राजनीति करनी है, सेशन उसके लिए पूरे 10 दिन का लगाएंगे, उसमें हम पूरे उनको ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। कितने पुलिस कर्मचारी सिक्योरिटी में लग जाएंगे विधानसभा के? कम से कम 500 से 1000 लोग लगते हैं, 1000 पुलिस कर्मचारी दिन रात यहाँ मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं। मैं तो सुरक्षा कवच को भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों के, मैं तो खुद आज कोई पुलिस कर्मियों को लेकर ना नहीं जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप सब लोग सुरक्षा में लगिए। तो राजनीति करने के लिए बहुत समय है, और इस प्रकार की बयानबाजी लेकर अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, यह सिर पर आपदा पड़ी है।